जय श्री हरि भक्तजनों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ब्राह्मण देवता सभी के घरों में जाकर पूजा अर्चना करते थे और उससे जो भी आमदनी होती थी उससे अपने घर का खर्च चलाते थे। उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। वह न तो कोई धार्मिक कार्य ही करती थी और न ही पूजा अर्चना ही करती थी। ब्राह्मण देवता ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसने कोई भी बात ब्राह्मण देवता की नहीं सुनी। वह सुबह में उठकर जूठे मुंह ही भोजन ग्रहण कर लेती थी और बिना स्नान ही पूरे दिन सोए रहती थी। ब्राह्मण देवता के बार बार समझाने के बावजूद भी न तो उसने पूजा पाठ करना प्रारंभ किया और न ही दान दक्षिणा ही किसी को वह देती थी। इस बात से ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे, लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु के बहुत ही परम भक्त थे और हमेशा उनसे यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्री दे दो। भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, भगवान विष्णु की वो परम भक्त बन गई। उस पुत्री ने धीरे धीरे पूजा पाठ करना प्रारंभ किया, जिससे कि ब्राह्मण देवता के घर की स्थिति थोड़ी सी सुधरने लगी। जब पुत्री स्कूल जाने लगी तो वो रास्ते में जौ डालते हुए जाती और जब स्कूल से लौटती तो उन सभी जौ को बटोरती जाती। स्कूल से लौटने पर वो सारे जौ सोने के हो जाते और वो सारे जौ को उठाकर अपने घर चली आती। एक दिन ब्राह्मण देवता ने देखा कि उनकी पुत्री सारे जौ को फटक रही है, तो ब्राह्मण देवता ने हंसते हुए कहा कि पुत्री, अगर तुम सोने के जौ को फटक रही हो तो उसके लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। पुत्री को ब्राह्मण देवता की यह बात जच गई। दूसरे दिन स्कूल जाते समय उसने रास्ते में जौ डाल दिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपकी सेवा सच्चे मन से की है तो स्कूल से लौटते समय मुझे एक सोने का सूप दे दीजिएगा। स्कूल से लौटने पर उसने देखा कि रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ है और उसने खुशी खुशी उस सोने के सूप को उठा लिया और घर आकर सोने के सूप में सोने के जौ को फटकने लगी। उसी समय उस राज का राजकुमार उधर से गुजरा और उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा तो उसे ब्राह्मण की बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इसी से विवाह करेगा। राजमहल जाकर उसने अपने पिता से यह बात कहलाई कि जिस लड़की को मैंने आज सोने के सूप में सोने के जौ को फटकते हुए देखा है, मैं उसी लड़की से विवाह करूँगा। राजा ने ब्राह्मण देवता के घर पर विवाह का प्रस्ताव भेजा। ब्राह्मण देवता ने खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण देवता की पुत्री का विवाह राजकुमार से हो गया। पुत्री के जाते ही धीरे धीरे ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी ने अपने पग पसार लिए। ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए और बोले कि पुत्री, अब तो मुझे दो जून की रोटी भी खानी मुश्किल हो गई है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्री ने बहुत सारा सोना चांदी देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन वो सोना चांदी कुछ ही दिन में फिर से समाप्त हो गए और ब्राह्मण देवता दोबारा अपनी पुत्री के पास पहुँचे। तब पुत्री ने कहा कि पिताश्री, ऐसे तो नहीं होगा, मैं बार बार आपको धन दूंगी और वो ख़त्म हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप माता श्री को लिवा लाइए, मैं एक ऐसा उपाय बता दूंगी जिसके करने से आपके घर की गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लिवा लाए तो उनकी पुत्री ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माता, कल बृहस्पति का व्रत है, आप बृहस्पति देवता की पूजा अर्चना कीजिए, उससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। माता ने उस समय हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन दूसरे दिन उठते ही सुबह में जूठे मुंह उसने बच्चों के जूठे खा लिए। यह देखकर उनकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हुई और इस बात से गुस्सा होकर उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद करवा दिया। फिर से जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसने अपनी माँ को कोठरी से निकाला और उसे स्नान वगैरह करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपनी माँ को पीले वस्त्र दिए पहनने के लिए, खुद कथा कही और माँ को बैठ करके सुनने के लिए बोला।
माँ ने जब कथा सुनी तो उसके मन में बृहस्पतिवार का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई और उसने कहा कि बेटी, आज से मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत करूँगी। उसने पूरे नियम के अनुसार उस वार का बृहस्पतिवार का व्रत किया और उसकी जो बुद्धि है वो ठीक हो गई। उसके बाद उसने हर बृहस्पति का व्रत रखना प्रारंभ कर लिया और ऐसा करने से धीरे धीरे ब्राह्मण देवता की घर की स्थिति सुधर गई और ब्राह्मण देवता सुखीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, यह है बृहस्पतिवार की कथा। अगर आप सच्चे मन से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान बृहस्पति आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु।